स्वर्ण मंदिर में गुरबानी के प्रसारण को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से उठाए गए सवालों का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तीखे शब्दों में जवाब दिया है। इसके साथ ही घोषणा कर दी है कि जुलाई 2023 को पीटीसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जिसके बाद एसजीपीसी दोबारा से गुरबानी टेलीकास्ट के लिए टेंडर खोलेगी। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सीएम भगवंत मान पर वार करते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों से जिसे नहीं बोलना चाहिए वे भी बोल रहे हैं। एसजीपीसी और अकाली दल खालसे के दो मजबूत संप्रदाय हैं। वे समझते हैं कि अकाली दल कमजोर कर दिया या खत्म कर दिया, अब उनके वार एसजीपीसी पर शुरू हो गए हैं। प्रधान धामी ने कहा कि सीएम कभी कहते हैं कि गोलकों में पैसे डालने बंद कर दो, कभी कहते हैं कि ये तोते हैं। मान साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि तुसी दिल्ली वालों के तोते हो। एसजीपीसी ने पंथ के लिए बनी है, आपका प्रयत्न है एसजीपीसी को खेरू खेरू करना। धामी ने कहा कि जरा संभल कर बोला करे, ये नाटककारों की स्टेज नहीं, जो मर्जी बोले जाओ। साथ ही प्रधान धामी ने बताया कि पीटीसी की तरफ से गुरबानी का फ्री टेलीकास्ट होता है। पीटीसी जो पैसे देती है उसकी जगह कोई भी पैसा किसी से भी वसूला नहीं जाता। एसजीपीसी इसकी कई बार जांच कर चुकी है। ये कहना गलत है कि हम गुरबानी को बेचते हैं, हम गुरबानी को बिल्कुल नहीं बेचते, हमारे अपने भी प्रयत्न जारी है। 2023 जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना है, हम ओपन टेंडर देंगे। बता दें कि एसजीपीसी की तरफ से 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, जो टेंडर के लिए शर्तों पर काम कर रही है। जो भी कंपनियां आगे आना चाहती है टेंडर भर सकती है, लेकिन उन्हें शर्तों पर पूरा उतरना होगा। विश्व तक गुरबानी को पहुंचाने का वचन पूरा करना होगा।